कोई मुझे बताएंगे। ओके हाँ जी मैम, आवाज ठीक आ रही है, स्क्रीन भी सर। थैंक यू। तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था लास्ट टाइम, तो जिसमें हमने देखे थे कि डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन के बारे में एज सच, उसके कौन से पार्ट्स होते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव हमारे कुछ उसमें ग्लैंड्स होते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं। फिर हमने उनमें देखा था माउथ से स्टार्ट होती है हमारी डाइजेशन की क्रिया, उसमें हमारे सलाइवरी ग्लैंड का भी रोल होता है। फिर हमारे वो फैरिंग्स, फैरिंग्स के बाद हमारी लैरिंग्स का भी कुछ पार्ट होता है, ईसोफेगस बेसिकली, और फिर हमारे स्टमक पे आती है, ठीक है ना। स्टमक के बाद जो है वो हमारे जाती है हमारे इंटेस्टाइन्स की तरफ। तो इंटेस्टाइन्स मुख्यतः दो होती हैं हमारे शरीर में। आप देख रहे हो कि जैसे इस पिक्चर में है, जो कि बीच में है, काफी उलझी हुई जो लग रही है, वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, क्योंकि उसका डायमीटर छोटा होता है, ठीक है। वो लंबी काफी होती है, लगभग जो है 7.2 के करीब हमारी उनकी लेंथ होती है, यहाँ पे 7 मीटर लिखा है, और 22 फीट लगभग लगभग। और जब तक हमारा जो शरीर जो रहता है, तो जीवित रहते हैं तो ये इतनी रहती है, बाद में क्योंकि ये मसल से बनी है तो मृत्यु के बाद है ना, ये थोड़ी सिकुड़ जाती है लगभग, ये फिर काफी सिकुड़ के छोटी ही रह जाती है। और इसके तीन पार्ट्स हैं, ड्यूओडेनम, जियोजेनम और हमारे इलियम, ठीक है ना। तीन पार्ट्स में हम इसको पढ़ते हैं। और इसके बाद जो है हमारी वो है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि उसको चारों तरफ से घिरे हुए आप देख ही रहे हो। तो ये जो होती है हमारी इसका डायमीटर बड़ा होता है, चौड़ी होती है, इसलिए इनको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। इनके अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो होता है सीकम, कोलोन, रेक्टम और एनस, जैसे कि हम देख रहे हैं। तो ये जो बीच का जो है इसमें ये हमारी छोटी आते हैं, जो कि जेजुनम आप देख रहे हो, और इसी के साथ ईलियम है। ड्यूडेनम थोड़ा सा बाहर की पार्ट है, अभी हम देखते हैं। और जो चारों तरफ बाहर की आप देख रहे हो, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। इसमें हमारे यहाँ का जो पार्ट होता है ये कम होता है, फिर इसके ऊपर ये हमारे कोलोन, कोलोन भी हमारे चार पार्ट्स में डिवाइड होता है, फिर हमारा रेक्टम और एनस का पार्ट होता है। और सीकम के साथ ही यहाँ पे एक हमारा स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स भी कहते हैं। देखते हैं हम आगे अब अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर को। तो ये जो छोटी आंत होती है, इसका जो है डायमीटर छोटा होता है, संकरा होता है, लेकिन ये बहुत लंबी होती है, ठीक है। और ये शुरुआत कहाँ से होती है, हमारे स्टमक का जो हमारा पाइलोरिक जो वॉल्व होता, यहाँ पे हमने देखा था पाइलोरिक स्पिंटर यहाँ पर होता है, यहाँ से स्टार्ट होती है, और पूरी ये जो है एक तरह से उलझी हुई होती है, और बड़ी आंत में जाने से पहले यहाँ पर हमारा इधर भी एक वॉल्व होता है। तो इसी के बीच में हमारी पूरी इसकी लेंथ रहती है, लगभग हमारी 6.25 मीटर होती है, जैसे कि अभी हमने बताया था। और इसमें हमारा ड्यूडनम फर्स्ट पार्ट, फिर जियोजनम और फिर लास्ट में हमारा इलियम। तो ड्यूडनम जो है हमारा पेट से, स्टमक से निकला हुआ पार्ट होता है, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसकी लेंथ जो होती है हाँ, इसकी लेंथ लगभग हमारी 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है ना। और ये सी शेप में आप देख रहे हो, सी शेप का होता है, और इसके ही सी शेप का जो है यहाँ पर जो पेंक्रियाज भी, यहाँ पर पेंक्रियाज का हेड जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो इसका कॉनकेव जो पार्ट होता है यहाँ पर इसका इस तरह से प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो है एक छेद होता है, जिसको हम एम्प्यूला बोलते हैं यहाँ पर, और उस एम्प्यूला से यहाँ पर इसके अंदर कुछ नालियां जाती हैं, उनका काम क्या होता है, वो हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करती हैं, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है, ये नालियां हम देख लेते हैं, चलिए इसमें आगे पिक्चर में है ना। ये जो नालियां आपको दिख रही हैं, इसके अंदर से रस आते हैं, ठीक है। ये जो एम्प्यूला है, एक छेद होता है, उसके अंदर नालियां तो जाती हैं, तो एक नाली में से तो जो होता है वो हमारा जो है लीवर से आता हुआ एक
डक्ट है वो पास करती है जिसमें से बाइल जूस जाता है, और एक में से हमारा पेनक्रियाज का जूस जाता है। ठीक है, अब इनका जूस का भी रोल है वो हम देखते हैं। तो ये जो है हमारा, इसको हम फिर यहाँ पर दोनों ट्यूब एक ट्यूब में बनकर इसको हम बोलते हैं हिपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट, जो कि हिपेटिक मतलब हमारे लीवर से और पेनक्रियाज से मिलके बननी है। हिपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट में दोनों अपने लीवर और पेनक्रियाज अपने जूस डालता है। ओके, तो ये हमारा बाइल जूस यहाँ पर और हमारा पेनक्रियाटिक जूस यहाँ पे हमारा दोनों डलते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो बाइल जूस होता है ये कौन बनाता है, हमारा लीवर बनाता है। ठीक है, और यहाँ से ये होता हुआ इसके अंदर प्रेजेंट है, और हमारे ड्यूडेनम के अंदर कुछ यहाँ पर हमारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। उनका काम होता है कि हमारे जो है ये हमारे स्मॉल इंटेस्टीन के उससे जो होता है हमारे यहाँ पर ये ब्रूनर्स ग्लैंड होते हैं, विशेष प्रकार के ब्रूनर्स ग्लैंड होते हैं। उनसे क्या होता है कि वो हमारा जो हमारा म्यूकोजा जो होता है ड्यूडेनम का, उसको ये प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, ये उसको प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पर ब्रूनर्स ग्लैंड जो होते हैं वो एक विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, क्योंकि जो हमारा पेट से जो हमारा स्टमक का जो कौन सा वहां पर हमारा आता था, स्टमक के अंदर हमारा जब खाना पच के क्या बना था, चाइम बना था, है ना, जो काइम हमारा बना था वो यहाँ पर, वो इसके अंदर तो पेट के अंदर हमारा खाना जो बना था वो था एसिडिक, और इसके अंदर जो है हमारा यहाँ पर वो उसको न्यूट्रलाइज करता है एल्कलाइन के उसमें बनाने में मदद करता है, और वो हमारे ड्यूडेनल की जो लेयर होती है उसको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि पेट की जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन थी वो बहुत ही पावरफुल थी, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी नुकसान नहीं पहुंचता था और ना ही उसको उसके खुद के जो पेप्सिन था, लेकिन जो एसिडिक वो जो था वो हमारे इधर इसको नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए वहां पर ब्रूनर्स ग्लैंड होते हैं जहाँ से सिक्रीशन होता रहता है, जो थोड़ा सा उसको एल्कलाइन करने में भी मदद करते हैं। और बाकी जो दोनों जूस निकलते हैं बाइल और हमारा पेनक्रियाटिक, इनसे भी क्या होता है कि हमारा यहाँ पर जो जूस रिलीज होता है वो भी उसको एसिडिक को न्यूट्रलाइज करता है। पेट के अंदर का खाना था हमारा एसिडिक, जब वो छोटी आंत ड्यूडेनम में आता है तो वो हमारे उसमें डाइजेशन को जो है उसको और प्रोसेस करने के लिए यहाँ पर जब भी खाना आता है उस एसिडिक को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर एल्कलाइन जूस चाहिए होते हैं, जो कि गॉल ब्लैडर से यहाँ पर हमारे लिवर से और पेनक्रियास से आते हैं। तो बाइल और हमारा पेनक्रियास जो बेसिकली थोड़ा सा हमारा इंक्लाइन होता है, जो कि हमारे इस एसिडिक खाने को न्यूट्रलाइज करता है और वो आगे डाइजेशन में हेल्प करता है, न्यूट्रलाइज होता है। तो हमारा गॉल ब्लैडर से भी हमारा बाइल आता है और पेनक्रियास से हमारा पेनक्रियाटिक जूस आता है, जो कि दोनों हमारे एल्कलाइन होते हैं और उस एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, और ताकि उस खाने की और हमारे अच्छे से डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऐसे भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट को अलग अलग डिवाइड करके उनकी एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। आगे देखते हैं फिर हमारा होता है जेजुनम। जेजुनम लगभग यहाँ पर 2.5 मीटर का होता है, कि जो कि बीच का हिस्सा होता है और नीचे का हिस्सा हमारा ईलियन होता है। यहाँ पे हमारा बेसिकली जो है एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पर हमारे खाने का जितना भी जो भी हमारे प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाते हैं, यहाँ पर उनका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, ब्लड सप्लाई और उसको खाने को बहुत ज्यादा चूसती है। तो यह जुजनम थोड़ा सा मोटा होता है ईलियम से, और यहाँ पर ये थोड़ा सा ज्यादा मस्कुलर होता है, यहाँ पे ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है एब्जॉर्प्शन के लिए। जुजनम के मुकाबले ईलियम थोड़ा सा कम वो होता है, और यहाँ पर जो है हमारा लेस ब्लड सप्लाई होती है, कि जहाँ यहाँ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के बाद जो भी फिर थोड़ा बहुत और रह जाता है वो भी इसको हमारे को एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। तो हमारे ईलियम और जेजुनम बेसिकली हमारे एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। इनके बनावट इस तरह से होती है, इनके अंदर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन की जो बनावट होती है वो कुछ फोल्ड्स पे होती है, उन फोल्ड से क्या होता है सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है।
नेक्स्ट पिक्चर दिखाती हूँ, दिखाई नहीं है शायद, इट्स ओके। यस ये रही, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो हमारी होती है स्पेशली जेजनम और ड्यूडेनम में, ये इस तरह से हमारी जो है फोल्ड्स में जो हो जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन। जैसे अगर आप देखते हो ना, जैसे आप लाइक चद्दर है कोई भी, आप उसे छोटी जगह पे रखनी होती है, क्या करते हैं हम उसे फैला के तो नहीं रखते ना, फैला के तो पूरी हो जाती है, उसको हम फोल्ड कर देते हैं। या आपने देखा होगा हम पंखा बनाते थे पेपर का, उसको क्या करते हैं छोटे 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 फोल्ड कर देते हैं, तो क्या होता है वो इतना कॉम्पैक्ट सा हो जाता है। अगर हम देखते हैं वो मैक्सिमम एरिया उसको खोलेंगे तो वो बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे ही हमारी पेट की आंतें होती हैं, और ताकि उनसे उनका सिक्रीशन जो है और एब्जॉर्प्शन, क्योंकि इनकी खुद की भी जूसेस निकलते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं, तो उससे उनका सरफेस एरिया बड़ा हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं ये जो हमारे फोल्ड होते हैं उसके ऊपर भी हमारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ये छोटे छोटे जैसे हमारी उंगलियां हैं हाथों में, देखोगे ना अगर आप ऐसे ऐसे देखोगे तो उसका भी सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए होते हैं, इनसे भी क्या होता है एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा हो जाती है। और उसके ऊपर भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो जिनको कि हम माइक्रोविली बोलते हैं, इनको हम विलाई बोलते हैं। और उसके बाद उसके ऊपर हम देख रहे हैं विलाई होते हैं, ये इनसे क्या होता है कि हमारा सरफेस एरिया बेसिकली बढ़ जाता है, ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, जिससे कि वहां पर एब्जॉर्प्शन और जितनी भी हमारी जो सीक्रिशंस भी हैं वो भी बढ़ जाती हैं, तो ज्यादा एब्जॉर्प्टिव एरिया बन जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो यहाँ से हमारे कुछ एल्कलाइन इंटेस्टिनल जूस भी निकलते हैं जो कि हमारे जो भी हमारा खाना होता है उसको और ये एल्कलाइन की फॉर्म में करते रहते हैं, ताकि हम हमारी डाइजेशन बहुत अच्छी हो। ठीक है, तो ये फोल्ड्स इनको हम वॉल्स ऑफ कर्किंग भी कहते हैं, और ड्यूडेनम या ड्यूडेनम ये बेसिकली ड्यूडेनम में ज्यादा पाए जाते हैं। ड्यूडेनम में जो होते हैं हमारे ब्रूनर्स ग्लैंड ज्यादा पाए जाते हैं, और जेजुनम में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं क्योंकि एब्जॉर्प्शन वहीं पर होती है, ब्लड सप्लाई भी वहीं पर होती है। ठीक है ना, और ये विलाई सिर्फ और सिर्फ हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पाए जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनका सरफेस एरिया बड़ा हो जाता है। हेयर लाइक प्रोजेक्शंस देख रहे हो, माइक्रोविली यहाँ पर आप देख रहे हो, इनसे भी हमारी एब्जॉर्प्शन का जो है सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, इनको हम क्रिप्ट ऑफ लुम्बकंस भी कहते हैं, इनका दूसरा नाम क्रिप्ट ऑफ लुम्बकंस भी कहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। और यहाँ पर हमारी सिक्रीशन बढ़ाने के लिए ही, एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए ही होता है। अब यहाँ से जो खाना होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के जूसेस जो होते हैं वो हमारी डाइजेशन को पूरा कर देते हैं, इनके साथ मिलके जितनी भी होती है हमारी वहां पर इसका काम पूरा हो जाता है। और खाना धीरे धीरे मस्कुलर मूवमेंट जो इंटेस्टाइन्स का होता है, क्योंकि मसल से ही बनी होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से, वो खाना धीरे धीरे आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता बढ़ता वो जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो हमारी लगभग 1.5 मीटर के तकरीबन होती है, और यहाँ पर ये हमारा लार्ज लास्ट जो है हमारा प्रोसेस यहाँ पर होता है। ये हमारी सीकम से शुरू होती है और रेक्टम से खत्म होती है बेसिकली, और एनस तक, हम रेक्टम का जो बाहर पार्ट है एनस ही। और ये हमारे लगभग जो है ये पूरा शेप जो होती है अपने अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन को ये एनक्लोज करके रखती है। ठीक है ना, जैसे कि आप देख रहे हो, तो फर्स्ट पार्ट इज द सीकम, फिर कोलोन होता है, कोलोन को भी हम अगर देखते हैं उसको हम अलग भागों में पढ़ते हैं, और लास्ट में इसका रेक्टम और एनस पार्ट होता है। तो जो सीकम है बेसिकली, सीकम जो है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जहां पर ये मिलती है लार्ज इंटेस्टाइन में, वहां का ही पार्ट हमारा सीकम होता है। यहाँ पर भी एक वॉल प्रेजेंट होता है कि जो भी खाना जब हमारा अवशोषित हो जाता है, एब्जॉर्प्शन उसका हो जाता है, सिक्रीशन होता है, उसके बाद हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे लिए वेस्ट मटेरियल टाइप जो चीजें हम पचा नहीं पाते हैं, जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाई, वो चीजें बच जाती हैं और वो हमारे आगे दे दी जाती हैं, जो कि हमारे शरीर से बाहर निकालने के लिए भी, या उसके बाद अगर जो कुछ चीजें रह जाती हैं जिनका एब्जॉर्प्शन आगे के उसमें होता है उनको आगे भेज दिया जाता है। तो सीकम जो होता है वो फर्स्ट पार्ट है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का। यहाँ से देखते हैं, चलो तो अभी हम लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पर जो लिखा है देख लेते हैं कि लंबाई से स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है। ऑब्वियसली
और यहाँ पर ये हमारी लेंथ में कम होती है, लार्ज इंटेस्टीन मोटाई में ज्यादा होती है, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टीन का अंतिम भाग इलियम लार्ज इंटेस्टीन का पहले भाग को सीकम से यहाँ पर इनका जंक्शन बनता है, जिसको हम इलियोसीकल जंक्शन भी कहते हैं। इलियम और सीकम के बीच का यहाँ पर एक जंक्शन बनता है, यहाँ पर एक वॉल्व भी प्रेजेंट होता है, इलियोसीकल वॉल्व, जो कि यहाँ की जो भी खाना जो आता है इसके बाद यहाँ के बाद में होता है। लार्ज इंटेस्टीन में कोई भी एंजाइम नहीं होता, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी डाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा है, मतलब एब्जॉर्प्शन जो जो पाचन क्रिया जो चल रही थी हमारी, है ना, वो इधर नहीं होता। तो सिक्रीशन यहाँ पे किसी भी उसका नहीं होता है, कोई भी एंजाइम्स यहाँ पे नहीं होता है। फर्स्ट पार्ट होता है हमारा सीकम। सीकम क्या है? सीकम एक पाउच लाइक का है, आप ये देख रहे हो, सबसे पहला पार्ट होता है, ये लगभग 1.3 सेंटी या 3 से 8 सेंटीमीटर लिखा है, लेकिन ये बहुत छोटा ही होता है। और इसमें जो होता है ये हमारा एक पाउच होता है, जो एक तरह से बंद है, पाउच लाइक होता है ये स्ट्रक्चर, और ये हमारे राइट साइड पर प्रेजेंट होता है ऑब्वियसली हमारे एब्डोमन के, और इसी के साथ यहाँ पर एक जो है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो कि एक ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पर ये हमारी बेसिकली इम्यूनिटी में रोल करता है, ये एक लिम्फॉइड टिश्यू है, यहाँ से लिम्फ के सेल्स कुछ प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करते हैं। और बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जब खाना हमारा यहाँ पर आता है, तो पचा हुआ खाना जब यहाँ पर आता है तो यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ रह जाता है, ब्लाइंड पाउच है ना, तो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, यहाँ पर अगर कोई यहाँ पर कीटाणु वगैरह पैदा हो रहे हैं तो उनको उसको मारने में मदद करता है इम्यूनिटी के उसके द्वारा, अपेंडिक्स का ये रोल है। लेकिन कई बारी जब हमारी कुछ हमारी हैबिट्स होती हैं या कुछ हमारा बॉडी का सिस्टम ठीक नहीं होता, खाना अगर यहाँ पे काफी ज्यादा पड़ा रहता है, सड़ता रहता है, तो वो इन्फेक्शन अपेंडिक्स को भी दे देता है, तो अपेंडिसाइटिस जैसी एक प्रॉब्लम भी होती है जो कि इन्फेक्शन यहाँ पर होता है। तो उस समय इस अपेंडिक्स को निकाल दिया जाता है, क्योंकि अब ये हमारे लिए इस तरह एक तरह से हम इसको वेस्टिजियल ऑर्गन की, मतलब इसका कोई इतना रोल नहीं है, तो निकाल देते हैं। अगर ये निकल भी जाता है तो बॉडी की इम्यूनिटी बाकी हमारी खुद की इम्यूनिटी से भी मेंटेन हो जाती है, इसलिए देखा होगा आपने कई बार इस तरह का पेन उठता है तो इसे ऑर्गन को निकाल दिया जाता है। तो ये हमारा सीकम है, सीकम जो है ये हमारा ब्लाइंड पाउच लोअर एंड पे ही होता है, और यहाँ से फिर खाना जो है हमारा बेसिकली कोलोन की तरफ जाता है। तो जो हमारा ऊपर जो कोलोन है, यहाँ पर हमारे जो पार्ट है जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसको हम कहते हैं असेंडिंग कोलोन। आगे की पिक्चर में देख लेते हैं। यस, तो ये हमारा होता है असेंडिंग कोलोन। फिर जो लेटा हुआ है ये ट्रांसवर्स कोलोन, और नीचे आ रहा है डिसेंडिंग कोलोन। फिर उसके बाद एक ट्विस्टिंग होता है, तो उसको हम सिग्मोइड कोलोन बोलते हैं। ये हमारे कोलोन के पार्ट हैं बेसिकली, ठीक है। असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड, ये हमारे कोलोन के पार्ट होते हैं। और कोलोन में बेसिकली हमारा ये इसकी लेंथ यहाँ पर 5 फीट, थोड़ी सी गड़बड़ है, इसकी लेंथ हम इसको 5 फीट नहीं कहेंगे, थोड़ी सी कम कहेंगे क्योंकि पूरी ही उसकी वो थी, और इसका डायमीटर तो हमारा 6 सेंटीमीटर के तकरीबन होता है, और इसकी हाँ 1.5 मीटर, तो क्योंकि टोटल देखिए लार्ज इंटेस्टीन की है, इसको हम मैं ठीक कर दूंगी, इसकी कम होती है, ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। और ये हमारे सीकम से स्टार्ट होता है, और पहले जो असेंडिंग कोलन हम देख रहे हैं, फिर बेंड हो जाता है, ये लिवर तक जाता है, फिर वहां से लेटा हुआ जो है हमारे स्प्लीन तक जाता है, इसको हम ट्रांसवर्स कोलोन बोलते हैं, और फिर ये नीचे की तरफ आता है बेंड डाउनवर्ड्स जो है डिसेंडिंग, और फिर ये यहाँ के बाद हमारे पेल्विक कैविटी के अंदर एंटर कर देता है, जो कि हमारा सिग्मोइड कोलोन होता है। ये थोड़ा सा ट्विस्टिंग टाइप का होता है, और कई बार इसको पेल्विक कोलोन भी बोलते हैं। तो खाना यहाँ से हमारा जाता हुआ यहाँ पे आता है, तो इसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग रोल होता है। जो असेंडिंग कोलोन, पहले तो पूरे उसमें ही यहाँ पर हमारे जो स्मॉल इंटेस्टीन में कुछ सॉल्ट और पानी, इन चीजों का ज्यादा ही यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है। जो हमारे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टीन तक हो गया था, लेकिन यहाँ पर हमारे एब्जॉर्प्शन होता है किस चीज का, हमारे वाटर का और हमारे सॉल्ट्स का। तो
उसके बाद भी अगर कुछ हमारा जो हो जाता है एब्जॉर्प्शन मेनली हो चुका होता है, लेकिन कुछ बचा खुचा भी हल्का फुल्का यहाँ पे होता है। तो असेंडिंग कॉलन में हमारे फ्लूइड्स और सॉल्ट का होता है मेनली एब्जॉर्प्शन, इस वाले पार्ट में होता है। ट्रांसवर्स कोलोन में जो भी फिर उसके बाद जो भी मटेरियल आता है, वेस्ट मटेरियल आता है, उसके अंदर से और ज्यादा उसका पानी जो है चूस लिया जाता है। ट्रांसवर्स कोलोन में रिमूव मोर वाटर फ्रॉम वेस्ट, उसको और पानी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो जाता है। फिर जो भी हमारा बनता है वेस्ट मटेरियल, वो स्टूल की फॉर्म में हो जाता है और वो हमारा डिसेंडिंग कोलोन में रुकना शुरू हो जाता है। फिर वो हमारे सिग्मोइड कोलोन से होता हुआ फिर वो बाहर आने के लिए तैयार हो जाता है, जो कि ये एस शेप का होता है, इसलिए इसको सिग्मोइड कोलन बोला गया है। फिर वो रेक्टम और एनस के माध्यम से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे इनमें हमारे विटामिन के और बी का भी जो है सिंथेसिस होता है हमारी ये कोलोन के अंदर। तो फिर हम देखते हैं रेक्टम और एनस में जब भी स्टूल यहाँ पर आता है, तो हमारे रेक्टम और एनस के हमारे यहाँ पर गार्ड्स होते हैं, स्फिंक्टर्स यहाँ पर भी होते हैं। एक अंदर की तरफ होता है जो कि हमारा इंटरनल होता है और एक बाहर की तरफ होता है। इंटरनल और एक्सटर्नल होता है जो कि मैसेज देता है। एक्सटर्नल वाला हम अपनी थोड़ी सी कंट्रोल में कर सकते हैं, इंटरनल वाला जो है ब्रेन के ही कंट्रोल में होता है। तो जब भी यहाँ पे स्टूल भर जाता है, मैसेज जाता है कि आप इसे ओपन करिए। तो यहाँ का ओपन ब्रेन कर देता है और इसको हम हद तक हम अपनी इच्छा से करते हैं। तो कभी जब भी आपको स्टूल पास करने का होता है, तो आप अपनी इच्छा से थोड़ी देर होल्ड भी करके इसको जब वॉशरूम में जाते हैं उसको ओपन कर लेते हैं। तो जिनका कई बारी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, उन मसल्स के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, तो उनको स्टूल पास हो जाता है, जैसे कि ज्यादातर छोटे बच्चों में होता है, उनके ऊपर उस मसल्स के ऊपर कंट्रोल करने का नहीं होता है, धीरे धीरे वो करना शुरू करते हैं। तो ये जो हमारा रेक्टम और हमारा एनस जो है, ये हमारा एनल कैनाल भी कहलाता है। इसको लगभग 4 सेंटीमीटर के तकरीबन है और इसको हमारे इस तरह के स्फिंक्टर्स जो है कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फिर हमारे बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम डिफिकेशन भी कहते हैं, DEFECATION। तो 2 से 3 साल की उम्र में जो बच्चों को वो रिफ्लेक्स भी नहीं भी डेवलप होता, वो ब्रेन से मैसेज ही नहीं आता है, धीरे 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 जब उनकी मसल्स के ऊपर कंट्रोलिंग पावर शुरू हो जाती है, तो फिर वो बच्चे सीखना शुरू कर देते हैं और उसके बाद जो है हमारा डिफिकेशन के प्रोसेस को आराम से कर लेते हैं। मैम डायरिया की कंडीशन में भी ऐसा होता होगा? डायरिया की कंडीशन में ऐसा ही होता है, अक्सर वो ज्यादा आता रहता है तो ये ओपन ही रहता है, हम बार 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 इतना नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन सभी एडल्ट कर लेते हैं काफी हद तक, लेकिन अगर बार 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 भी आता है तो वो यहाँ पर भी इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो वो ओपन ही हो रह जाता है। तो इसलिए हमारा उसमें जो होता है पास हो जाता है, स्टूल पास हो जाते हैं। इसमें नवजात शिशु का भी वाइट जूस वगैरह निकलता है, वाइट जूस और प्लैनकेया के जूसेस? हाँ, बिल्कुल, सबका जो है वो निकलता है, वो डिपेंड करता है कि उनका स्टूल का कलर उसी हिसाब से ही होता है, जैसा जो आप लोग खाना भी खाते हो तो वो उसी हिसाब से ही भी होता है। तो बच्चों का धीरे धीरे उनका बॉडी जो है सिस्टम बनता है, डेवलप बनता है, तो फिर उनका जो स्टूल उसी हिसाब से बनना शुरू होता है, जैसा फूड मटेरियल होता है बेसिकली, तो उसी हिसाब से ही फिर उनका होता है। ठीक है ना, तो ये अभी हम देखते हैं कि ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स का जो स्मॉल पार्ट हमारा तो होता है वो बनता है, जैसे कि हमने बात कर रहे थे कि बेसिक उसमें वो डिवाइड होते हैं, तो वो होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज भी होता है, और प्रोटीन के होते हैं मैंने बताया था अमाइनो एसिड्स होते हैं, फैट का फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। जो भी हम ये चीजें खाते हैं वो इन छोटी छोटी चीजों में, ये इन्हीं फॉर्म्स को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो फूड एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन टू पोर्टल वेन टू लिवर, जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारी आंतों में जो ब्लड होता है वो हमारी पोर्टल वेन से लिवर की तरफ भी जाता है। ठीक है, वहां से फिर कुछ चीजें जो स्टोर भी होती है, तो जैसा खाना खाते हो उस तरह से होगा। अगर आप खाने में ज्यादा फैट खाओगे तो आपको बहुत ही पीला स्टूल आएगा, आयरन ज्यादा लोगे तो आपको ब्लैक कलर का स्टूल आएगा, प्रोटीन ज्यादा लोगे तो आपको स्टूल में स्मेल होती है, क्योंकि अमाइनो एसिड से बने होते हैं ना, तो उसके अंदर फिर उसका जो हमारे कुछ नाइट्रोजन टाइप का भी इसमें होता है, तो वो उससे हमारे उसमें स्मेल ज्यादा होती है। ठीक है,
अब हम देखते हैं कि हमारे लिवर के बारे में, हम एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में देखेंगे। हमने अभी पूरी ट्यूब के बारे में पढ़ लिया, लेकिन अब हम देखेंगे हमारे जो एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं उनका क्या रोल होता है। तो ये लीवर है, लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़े ग्लैंड है। लगभग ये 1 किलो, 1 से 1.5 किलो के तकरीबन हो सकता है, कुछ लोगों को 2 किलो तक या 2.5 किलो तक भी हो सकता है। यूजुअली 1 से 1.5 किलो का हम इसको मान के चलते हैं। और ये हमारे पेट के ऊपरी हिस्से में, आप देख रहे हो इस पिक्चर में, राइट साइड पर होता है। ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड को काफी अच्छे से काफी भाग में ये पाया जाता है। और ये इसका जो होता है, ये हमारे इसको हम देख रहे हैं, इसके लोब्स होते हैं। राइट लोब है आपका, लेफ्ट लोब होता है, 4 लोब्स होते हैं। वैसे अभी इस पिक्चर में आपको इतने क्लियरली नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 3D पिक्चर में हम देखते हैं इसको। और ये जो शेप इसकी आप देख रहे हो, लगभग हमारी ट्रायंगुलर शेप टाइप की होती है। और थोड़ा सा जो है, हम इसमें ये राइट और लेफ्ट लोब आपको देख रहे हो, राइट लोब बड़ा है, लेफ्ट लोब छोटा होता है। और इसके जो एक काउडेट लोब और एक क्वाड्रेट लोब होता है, कि जो नीचे से पिछली की तरफ से हम इसको देखते हैं। तो हम देखते हैं जो लेवर होता है, ये हमारा अंदर से बड़ा ही कॉम्प्लेक्स वो होता है। इसके अंदर लोब्यूल्स होते हैं, छोटे 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 लोब्यूल्स होते हैं। और शायद आगे की पिक्चर में हो, नहीं है। तो इसके अंदर एक तरह से लोब्यूल्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, कि जो कि हेक्सागन शेप जो होती है ना, हेक्सागन मतलब छे जिसकी लाइंस होती हैं, हेक्सागन शेप में होता है। उस शेप के षटकोण, इसके, हाँ जी, षटकोण हाँ सॉरी, थैंक यू, हिंदी में नहीं समझा पाई। षटकोण जो होता है, हेक्सागन जो होता है, उस शेप में इसके लोब्यूल्स होते हैं। और लगभग लगभग वो बहुत छोटे होते हैं, 1 मिलीमीटर तक, इतने छोटे होते हैं वैसे। और पूरे लोब्यूल्स जो होते हैं, सेल्स जो इससे ये हमारा लिवर बना होता है, उनको हेपेटोसाइट्स भी हम कहते हैं। और उसके बाद जो है, लिवर का काम हमारा क्या करता है, ये हमारे ब्लड सप्लाई रिसीव करता है और फिर ये देता भी है। तो यहाँ पे जो भी ब्लड आता भी है, उसको एक तरह से यहाँ पर क्लीन करने का भी ये काम करता है। जो लिवर के ये जो लोब्स हो रहे हैं ना, ये हाँ, इनके अंदर लोब्यूल्स होते हैं, जो कि मैंने अभी बताया, उनसे होते हैं हेपेटोसाइट्स बोलते हैं। और इसके हर उसके अंदर ना एक जो होती है, एक वेन जा रही होती है, जिससे कि ब्लड सप्लाई होती है। हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन, यहाँ पे मिक्स टाइप का हमारा पूरा ब्लड रहता है हमारे लिवर के अंदर। तो लिवर के अंदर जो भी ब्लड आता है, तो वो हम इसके अंदर वो है, जो भी मटेरियल लेके आता है, टॉक्सिन्स लेके आता है, ये उसको भी जो है क्लीन भी करता है। और आगे कुछ हमारे अंदर जो अगर इस तरह के जो टॉक्सिन्स भी बनते हैं, उनको तो क्लीन करता ही है, प्रोडक्शन भी करता है, सिक्रीशन भी करता है, ठीक है। तो इसके कई सारे रोल हैं जिनको हम देखते हैं। पोर्टल वेन जो इसमें मैंने अभी नाम लिया था, हिपेटिक आर्टरी जो होती है, वो हमारी ब्लड से जो आती है, सॉरी, हार्ट से आती है, जो कि ब्लड लेकर आती है, जिसके अंदर बहुत ऑक्सीजन होती है। और जो पोर्टल वेन जो इसमें आती है, तो वो हमारे जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम से आती है, हमारे स्टमक इंटेस्टाइन से आ रही होती है, जो कि अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स को लेकर आती है। तो उसके बाद यहाँ पर जो भी हमारा जो ब्लड सप्लाई जो इसकी होती है, वहां पर इसका काम शुरू हो जाता है। जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जहाँ पे भी इनकी जरूरत होती है, उसके हिसाब से भी बहता है। और जो न्यूट्रिएंट्स इसको वेस्ट वो लगते हैं, उनको ये बाहर निकालने में भी रोल करता है, और सिक्रीशंस भी करता है। अब हम देखते हैं इसके क्या काम है। तो ये है कि लिवर सेल्स जो कि हिपेटोसाइट्स होते हैं, क्या बनाते हैं, बाइल जूस बनाते हैं, सिक्रीशन करते हैं बाइल जूस का। बाइल जूस किसमें काम आया था, हमारे डाइजेशन में काम आया था। अभी हमने देखा था कि हमारे फैट की ऑब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं, और एसिटिक को एल्कलाइन भी बनाने में मदद करते हैं, बेसिकली जिसको हम क्या बोलते हैं, हिमोपोइज। उसके बाद जो है, या अगर भ्रूणी अवस्था में, मतलब फीटस में, जब बच्चा पेट में होता है, तो वहां पे ये आरबीसी का निर्माण भी करता है। बच्चों, छोटे बच्चों में भी इसकी डेवलपमेंट होती है, हिमोपोएसिस कहते हैं। तो वहां पर भी ये आरबीसी की प्रोडक्शन में मदद करता है। जब हम बड़े हो जाते हैं, एडल्ट में होने पे, हमारे ये बोन मैरो में काम शुरू हो जाता है आरबीसी का। बच्चों में ये हमारे, और भ्रूण में हमारे लिवर में ही होता है। फिर इसके बाद है कि हमने देखा था
जो भी हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज है, जो हम खाना खाते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और लेकिन अगर ज्यादा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज हमारे को एनर्जी बनाने में मदद करता है, तो एक्स्ट्रा वो हमारे बॉडी की यूटिलाइजेशन में हो जाता है। लेकिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो लीवर के अंदर स्टोर हो जाता है। किस रूप में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। जब भी हमारे शरीर के अंदर जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज बेसिकली हमारे एनर्जी देता है, वो एक्स्ट्रा इसी के अंदर हमारा स्टोर हो जाता है और उसको हम ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। और वही जो ग्लूकोज अगर हमारे शरीर को चाहिए, अगर हमने अचानक से कोई ऐसा भागदौड़ वाला काम किया, बहुत ज्यादा ऐसा ऊर्जा जिसमें लगती हो काम किया, तो वो ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलिसिस। ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के विपरीत होते हैं जो कि इसके अंदर चलते हैं। इसके अलावा जो होता है, लीवर कई बार अमाइनो एसिड और फैटी एसिड को भी ग्लूकोज में बदल देता है जब जरूरत होती है। तो फैटी एसिड जो होता है फैट का पार्ट है, और अमाइनो एसिड प्रोटीन का पार्ट है। इस प्रोसेस को जो बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, नया ग्लूकोज भी बना देता है अगर बॉडी को होती। तो लीवर बहुत ही पावरफुल आपका ऑर्गेन है, बहुत ही अच्छा वो है, वो अपने आप में बहुत सक्षम होता है। इसके सेल्स की एक और खूबी होती है, ये एक सेल से अपने आप ही कई सेल पूरा लीवर भी डेवलप हो जाता है। डेट इज अ एक्चुअली रीजेनरेशन। अगर आप जो लीवर जो ट्रांसप्लांट की बात होती है ना, जैसे अगर किडनी ट्रांसप्लांट होती है तो किडनी नई की पूरी ही नई लगाई जाती है, या हार्ट जो लगाया जाता है। लेकिन लीवर में अगर हम लीवर ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, उसमें क्या होता है कि उसके कुछ सेल्स को लगाया जाता है, वो पूरा ऑर्गन अपने आप में ही डेवलप हो जाता है। दिस इज अ मतलब ये बहुत खूबी है लीवर के सेल्स की, वो अपने आप ही रीजेनरेट हो जाते हैं। इसके बाद जो है डिटर्मिनेशन, ये हमारे जो लीवर होता है अमाइनो एसिड से अमाइनो को निकालता है, या वहां पे तो वहां पे भी ये हमारे उसको निकालते हैं, और फिर बॉडी में जो हमारे एक्स्ट्रा जो होता है बाहर निकालने में मदद करते हैं जहां पे जरूरत होती है। यूरिया की फॉर्मेशन भी होती है, यूरिया की स्पेलिंग गलत है, तो जो भी हमारा यूरिया का निर्माण का जो साइकिल होता है, जो कि हमारा अमोनिया से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के मिलके यूरिया बनाता है, और फिर ये हमारे शरीर से भी बाहर निकलना चाहिए, तो वो फिर हमारे, लेकिन कई बार जब हमारे कुछ प्रॉब्लम्स होती है, आपने देखा होगा ना कि बढ़ जाता है। तो यूरिया का निर्माण बेसिकली लीवर में होता है, बाद में ये ब्लड के माध्यम से किडनी पे जाता है, और फिर वो हमारे किडनी जो है हमारे यूरिन के माध्यम से बाहर निकालती है। ठीक है, तो ये भी जो यूरिया का फॉर्मेशन हमारे यहीं पर ही होता है। हेपरिन भी होता है, हेपरिन हमारे ब्लड को कॉगुलेशन में जो है उसके उसके जमने नहीं देता है, एंटी कॉगुलेशन का काम करता है। वो जरूरी होता है, नहीं तो हमारी जो भी ब्लड बह रहा है शरीर में वो जमना शुरू हो जाएगा। तो वहां पर एक जो सब्सटेंस होता है हेपरिन, उसका भी निर्माण यहीं पर ही होता है। और जब हमें चोट लग जाती है तो वहां पर उस जगह पे हेपरिन इनएक्टिव हो जाता है, ताकि वहां पे, क्योंकि खून जमना भी जरूरी है, तो ऑटोमेटिक काम होता रहता है। इसके साथ ही साथ विटामिन ए का भी यहाँ पर हमारा सिंथेसिस होता है, जो कि हमारे लीवर में ही होता है। और विटामिन ए आप देखते हो कि जो भी हमारे गाजर है, या हमारे जो ऑरेंजिश कलर के जो भी हमारे फ्रूट्स वगैरह होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उसमें प्रेजेंट होता है। लीवर के अंदर हमारे विटामिन जो स्टोर होते हैं, ए डी ई के और B12, ये हमारा स्टोर भी होता है। जो भी हमारे सोल्यूबल हैं, बेसिकली ए डी और ए के, ये हमारे जो कौन से हैं, ये हमारे फैट सोल्यूबल वाइटामिन होते हैं, इनको स्टोर करने में ये मदद करता है। और वाटर सोल्यूबल जो हमारे होते हैं B12 है, इनको भी स्टोर करने में मदद करता है। और ये साथ ही साथ जो अल्कोहल जो हमारा होता है, इसको भी मेटाबॉलिज्म, इसको भी क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है ना? देखा होगा आपने, सुना होगा, ड्रग्स को भी डिटॉक्सिफाई करता है। या आ गया डिटॉक्सिफिकेशन। जो भी हम इस तरह के कुछ भी मेडिसिन के अंदर, क्योंकि साइड इफेक्ट्स होते हैं बहुत सारे रहते हैं, उनको भी टॉक्सिक सब्सटेंस को नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस से करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है ये। और जो भी अल्कोहल भी लेते हैं, उनको भी जो है आप देखते होंगे कि उनके लिवर के ऊपर बहुत ज्यादा जो लेते रहते हैं, ये भी बेचारा कब तक काम करेगा, तो बहुत उसके ऊपर भी इफेक्ट आता है। तो ब्लड क्लॉटिंग के जो दो प्रोटीन जिम्मेदार होते हैं, उनका निर्माण लिवर में ही होता है।
जो कि प्रोथ्रॉम्बिन और फाइब्रोनेजन, एंटीकॉगुलेंट का भी काम करता है, लेकिन जो उसकी कॉगुलेशन में जो मदद करते हैं प्रोथ्रॉम्बिन और फाइब्रोनोजन, वो भी इसका फॉर्मेशन भी हमारे लिवर में ही होता है, मिनरल्स को भी इकट्ठा करता है, इसकी के अंदर काफी मिनरल्स स्टोर होते हैं। आप देखते हो कि ब्लड यहाँ पे अंदर खूब अच्छा होता है, तो आयरन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, कॉपर भी होता है, जिंक भी होता है, कोबाल्ट भी होता है। लिवर इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन, है ना, क्योंकि ब्लड सप्लाई भी जरूरत होती है। यहाँ पर जो है फेरिक की, आयरन की भी बहुत सारी फॉर्म्स होती है, तो एक फेरिक जो इसकी फॉर्म होती है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, और फैट भी इकट्ठा होता है। तो अल्कोहल करने वालों को लिवर में हिपेटोसाइट्स की जगह क्या हो जाता है, फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसे हम क्या होते हैं, फैटी लिवर कहते हैं। उसकी वजह से उसके जो सेल्स होते हैं अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, और वहां पर सिरोसिस ऑफ लीवर जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। फैगोसाइटोसिस, बैक्टीरिया वगैरह को भी ये डिस्ट्रॉय करता है, बाइल जूस का फॉर्म करता है, जो कि बाइल जूस का काम होता है हमारे फैट को हमारे डाइजेशन में मदद करता है, वसा की बूंदों को छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि वो उनको हमारी बॉडी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके, डाइजेस्ट कर सके। उसके बाद जो है एल्ब्यूमिन और जो एक प्रोटीन का फॉर्म है उनको भी इसको भी जो है सिक्रीशन मदद करता है। और यहाँ पर हमारे लिम्फ एक हमारे इम्यूनिटी के सेल्स को से में हेल्प करता है, उसका भी फॉर्मेशन होता है। अब जो बाइल जूस होता है, ये हमारे जो लिवर सेल्स बनाते हैं, हिपेटोसाइट्स बनाते हैं, हिपेटिक सेल्स बनाते हैं, ये सिर्फ बनाते रहते हैं, लिवर बनाता है लेकिन उनको इकट्ठा नहीं करता, उसके अंदर कोई भी स्टोरेज की कोई फैसिलिटी नहीं है। उसका काम है निरंतर, भैया तुम, मैं बना के दे दूंगा, इकट्ठा तो तुम करो। तो इकट्ठा कहाँ होता है, इकट्ठा होता है हमारे गॉल ब्लैडर में। मैंने आपको पहले भी बताया था ब्लैडर, ब्लैडर का मतलब होता है थैली, और जहां जैसा जो भी चीज इकट्ठी हो रही होगी उसी के हिसाब से उसका नाम होता है। जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर, उसमें यूरिन इकट्ठा होता है, ये बाइल इकट्ठा किसमें होता है, गॉल ब्लैडर। इसके अंदर सारा जो हमारा बाइल जो फॉर्म करता है वो हमारा इकट्ठा होता रहता है, एक नाशपाती जैसे आकार में होता है, ग्रीन कलर का आपको इसको दिख रहा होता है, और ये एक तरह से लिवर के साथ जुड़ा हुआ होता है, कनेक्टिव टिश्यू के साथ अटैच होता है। इसके भी हमारे कुछ पार्ट्स होते हैं, तो डेली जो हमारा जो गॉल ब्लैडर का आप देख रहे होंगे, जो सॉरी बाइल का जो सिक्रीशन होता है डेली, वो होता है लगभग 500 ml से लेके 600 ml तक का होता है। और हमारा बाइल हमारा एल्कलाइन है, क्योंकि हमारे जो भी खाने, पेट का जो खाना था ना एसिडिक था, बताया था ना, तो देखो यहाँ से ये जो है ना, ये यहाँ कॉमन बाइल डक्ट ये अंदर जा रही है, एम्पुला, ड्यूडेनम के अंदर एम्पुला से, तो ये बाइल को भेजती है ताकि जो एसिडिक खाना खाना आया था हमारे स्टमक से उसको ये न्यूट्रलाइज कर सके। बाइल जूस के अंदर कोई भी एंजाइम्स नहीं होते हैं एसच, किसी और उसका नहीं जो है डाइजेशन करते हैं, उसको एल्कलाइन में करते हैं और हमारे फैट को उसमें करते हैं। कलर इसका येलो से ग्रीन तक का होता है, और इसके अंदर हमारा जो जो कलर जो इसकी वजह से होता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि हीमोग्लोबिन के ब्रेक डाउन से आए होते हैं, जो लीवर के अंदर कुछ हमारे जो आयरन के होते हैं उनके ब्रेक डाउन से आए होते हैं। तो ये दो कलर के इसके पिगमेंट्स आते हैं, ग्रीनिश और जो येलोइश कलर होता है, येलो कलर आता है बिली रुबिन से, ग्रीन कलर आता है बिली वर्डन से, ठीक है। इसके अलावा हमारे कुछ सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टाउरेलेट, तो ये हमारे जो है इनका काम होता है फैट को तोड़ने में, ठीक है। इसके बाद जो है अगर हम देखेंगे, ये जो गॉल ब्लैडर है आप देख रहे होगे, है ना, गॉल ब्लैडर से जो ट्यूब निकलती है उसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, और जो हमारी लिवर से ट्यूब्स आ रही होती हैं वो हिपेटिक डक्ट। लिवर की गॉल ब्लैडर की मिलके बनाती है कॉमन बाइल डक्ट, फिर कॉमन बाइल डक्ट, और हमारे ये देखो पेनक्रियाज से, पेनक्रियाज में भी जूस बनते हैं, वो भी अपना जूस भेजते हैं, फिर ये दोनों बन जाती हैं मिलके हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, और ड्यूडेनम के अंदर ये एम्पुला होता है, यहाँ से ये एंटर करती हैं और ड्यूडेनम के अंदर जो खाना आता है उसके अंदर फिर डाइजेशन में ये मदद करती हैं। जो गॉल ब्लैडर आप देख रहे हो एक तरह से नाशपाती की आकार का आपको दिख रहा है, तो ये जो इसका इसका भी ये जो पार्ट दिख रहा होगा ये इसका फंडस होता है, और जो इसका बीच का जो पार्ट है स्टमक में देखा था ना, फंडस पार्ट था, फिर बीच का बॉडी था, ऐसे ही इसका बॉडी है, और फिर इसकी नेक भी होती है यहाँ पर, ये जो है इसकी नेक होती है, जैसे ठीक कि है। कई कई लोगों का तो गॉल ब्लैडर ही ऑपरेशन के माध्यम से निकाल देते हैं कि कुछ प्रॉब्लम होती है, तो फिर उसमें फिर क्या होता है? निकला हुआ है, बताती हूँ उसके बाद में।
उसके बारे में बताती हूँ मैं, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर का काम क्या है, यहाँ पे सिर्फ इसका काम है उस बाइल को स्टोर करना, इसका काम और कुछ नहीं है। तो इसको वो बस स्टोर करता है, जब यहाँ पर भोजन आता है तो ये वहां से उसका काम है बस बाइल को रिलीज कर देता है, जब मैसेज जाता है तो यहाँ पर जो है गॉल ब्लैडर की मसल्स से अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जो स्टोर्ड बाइल है वो ड्यूडेनम में उसको रिलीज कर देती हैं। तो ये एक हमारा ये बॉडी का वर्क है कि उसके हिसाब से होता है, ये फैट के डाइजेशन में मदद करता है और ये मैन्युफैक्चर नहीं करता, स्टोर करता है। कई बारी हमारे कुछ खान पान की आदतों से क्या होता है कि इसके अंदर हमारे ये जो बाइल पड़ा होता है तो उसकी वजह से लोगों को पथरी बन जाती है, उसमें क्या होता है कि इस गॉल ब्लैडर को निकाल भी दिया जाता है, तो यहाँ से निकाल देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ हिपेटिक डक्ट से जो बाइल आ रहा है बस वो निकलता रहता है। तो काम क्या होता है कि वो उनका काम स्टोर करने का नहीं है, निकलता रहता है। लेकिन अगर कोई आदमी जिसका गॉल ब्लैडर निकला हुआ है, अगर अचानक से वो कुछ हैवी तली हुई चीजें खा लेगा तो बहुत ज्यादा मात्रा में बाइल नहीं निकलेगा, तो उसको फिर प्रॉब्लम होती है, खट्टी डकारे एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए जिनका गॉल ब्लैडर निकाला जाता है उनको ज्यादा जो हैवी स्पाइसी फूड खाने का परहेज बताया जाता है ताकि उनको फिर प्रॉब्लम ना हो। अगर वो अचानक से ऐसा कुछ भारी खाना खा लेंगे, ज्यादा स्पाइसी भोजन खाएंगे तो अचानक बहुत ज्यादा मात्रा में बाइल नहीं निकलेगा तो उनको दिक्कत होगी, इसलिए उनको तली हुई चीजों का परहेज बताया जाता है क्योंकि फैट का डाइजेशन में दिक्कत आती है। ओके मैम, थैंक यू मैम। इसके बाद जो है बाइल जी जो जूस है रिलीज होता है ड्यूओडेनम में, जैसे कि हम देख रहे हैं एल्कलाइन बना देता है, जो एसिडिक फूड है उसको एल्कलाइन बना देगा। अब देखो बाइल इतना निकलेगा ही नहीं, जो एसिडिक फूड भी यहाँ पर आके ज्यादातर एसिडिक रहेगा, पेनक्रियाज भी उसको खैर एल्कलाइन बनाता है लेकिन इतना नहीं हो पाता तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। पर ये हमारा कोई जो है बाइल हमारा ट्रू जो डाइजेस्टिव जूस नहीं होता क्योंकि इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं है, पचाता नहीं है, ये सिर्फ उसको फैट को जो है छोटे छोटे उसमें कर देता है और लिवर को वसा घुलनशील विटामिन का अवशोषण करता है बेसिकली, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे जो जो विटामिन होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन में ये मदद कर देता है। अगर क्या होगा अगर गॉल ब्लैडर को हटा दिया जाए तो बाइल जूस स्टोर नहीं होगा, डाइजेशन ऑफ फैट प्रभावित होगा, फूड को एल्कलाइन नहीं बना पाएगा, जो स्टमक से आया फूड है वो एसिडिक ही रहेगा। तो बाइल जूस किससे बनता है, H2O वाटर, 92-98% वाटर होता है। बाइल सॉल्ट होते हैं बिलीवर्डिन बिलीरुबिन होते हैं, बाइल सॉल्ट से हमारे सोडियम ग्लूकोलेट ये थे ना, और सोडियम टॉर्कोलेट जो हमारे बाइल पिगमेंट्स है वो हमारे थे बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, जिनसे कि ग्रीनिश और हमारा येलोइश कलर होता है। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये देखोगे ये थोड़ा सा कई बारी बहुत गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है, जिनके खाने की शुरू से ही अगर गलत आदतें होती हैं उनको यूजुअली होता है, जो ज्यादा भूखे रहते हैं ज्यादा देर तक, या ज्यादा देर तक जो ज्यादा तली भुनी चीजें भी खाते हैं तो उसके बाद। और इसमें लेसिथीन सोडियम पोटेशियम ऐसे चीजों से बाइल जूस बनता है। लीवर के जो भी हमारे जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो जो जो निकलते हैं वो बाइल पिगमेंट्स होते हैं, अगर ये बाइल पिगमेंट शरीर में नहीं निकलेंगे तो क्या होगा, वो हमारे जॉन्डिस कर देंगे, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी होता है जो उसमें आप देखते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बड़ा हुआ होता है तो हमारे शरीर के अंदर ये जो येलो कलरेशन देना शुरू कर देते हैं और हमारे डाइजेशन पे इफेक्ट होता है। तो जो लाइपेज जैसे एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, हमारे इंटेस्टिन्स में होते हैं, लिवर के उसमें नहीं होते हैं, बाइल में नहीं होते हैं, तो वो हमारे बेसिकली वो हमारे फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर लेते हैं, वहां पे फिर हमारा डाइजेशन हो जाता है। तो गॉल ब्लैडर स्टोन से क्या होता है, गॉल ब्लैड जो है अगर ये हिलने शुरू होते हैं तो यहाँ पे सिस्टिक डक्ट में अटक जाते हैं, कई बारी और बाहर तक भी आ जाते हैं, तो ये पथरी देखो ये नीचे आ रही है, ये रास्ता अगर ब्लॉक हो जाएगा तो जूस बाहर नहीं आएगा, तो इसकी वजह से जो अंदर के जो बिलीवर्डिन ये जो पिगमेंट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे तो भी हमारे को जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो जाएगी, लिवर के अंदर वो पिगमेंट्स बढ़ जाएंगे तो प्रॉब्लम भी होती है, तो इसलिए इसको निकाला जाता है। कई बार सिर्फ एक आध पथरी होती है तो भी निकाल दिया जाता है, नहीं तो कई बार फुली इसको भी बाहर निकाला जाता है। तो जब पित्त रस को ले जाने वाली डक्ट में ब्लॉकेज आ जाती है तो शरीर में क्या बढ़ता है, बिलीरुबिन बढ़ जाता है। बिलीरुबिन लिवर का बेसिकली वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि येलो कलर का ही पिगमेंट होता है ना, उससे क्या होता है आपने देखा होगा यूरिन भी कलर आएगा, आंखें पीली हो जाएंगे, नाखून पीले हो जाएंगे, और बाइल जूस हमारी एब्जॉर्प्शन फैट में मदद करते हैं, तो इस तरह की हमारी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं।
तो हमने देखा डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का हो चुका। अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड ऑर्गेन की, हमारे पेनक्रियाज की। तो पेनक्रियाज हमारा जो है वो एक ग्लैंड है, ये हल्का सा हमारे ग्रे रंग का होता है, यहाँ पे पीले रंग का दिखाया लेकिन ये हल्का सा हल्के ग्रे कलर का होता है, 12 से 15 सेंटीमीटर की लंबाई होती है, पेट में पाया जाता है, हमारे स्टमक के नीचे की तरफ थोड़ा सा इसका होता है, और ड्योडेनम के इसका जो हेड है ड्योडेनम के कॉनकेव एरिया में इसको मिलता है। ये एक मिक्स प्रकार का ग्लैंड होता है, मिक्स प्रकार का ग्लैंड होता है जिसको एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, जो कि ग्लैंड का काम होता है सिक्रीशंस करना। तो मतलब वो क्या बनाते हैं, वो रस बनाते हैं। तो जो कोई भी ग्लैंड हो वो रस बनाएगा, एक रस होता है कि वो डायरेक्ट ब्लड में डाल देता है, एक रस बनाता है कि उसको नालियों की जरूरत होती है। तो पैनक्रियाज एक लौता ऐसा ऑर्गन है हमारे पूरे शरीर में जिसमें ये दोनों ही काम होते हैं। तो जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, यहाँ पर हमारे कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि डायरेक्ट ब्लड के अंदर ही चले जाते हैं, और दूसरा ये इसके सेल्स भी ऐसे हार्मोन सॉरी ऐसी सिक्रीशंस करते हैं जो कि ट्यूब्स के माध्यम से निकलती हैं। जैसे कि अभी हमने बोला था हमारी ड्यूडेनम में अपना पैंक्रियाटिक जूस को ये भेजता है, वो पैंक्रियाटिक जूस हमारे डाइजेशन में मदद करता है। तो पैंक्रियास के अंदर बहुत सारे लोब्यूल्स पाए जाते हैं जो कि छोटे 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 छोटे, यहाँ पर आप अगर इसमें होते हैं यहाँ पर भी हमारे एल्वोलाइज टाइप के होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, जहाँ पे भी हमारे हर जो लोब्यूल होता है वहां पे एक डक्ट निकलती है, और वही डक्ट से हमारा जो है एक ड्योडेनम के अंदर सारी जो छोटी छोटी डक्ट होके एक बड़ी डक्ट को बनाती है, और हमारे ड्योडेनम के अंदर अपनी सिक्रीशंस को छोड़ देती है, जहां से कि हिपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला से अपने पैनक्रियाटिक जूस को दे देती है जो कि हमारे खाने को डाइजेशन में मदद करता है। और जो एंडोक्राइन पैनक्रियास का होता है वो स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं जिसमें कि कोई डक्ट नहीं होती, वो डायरेक्ट अपनी जो है सिक्रीशंस को ब्लड में ही डाल देते हैं, ठीक है ना। तो वो बनता है इंसुलिन और हमारा ग्लूकोगन, दो हमारे यूजुअली वो हमारे बनते हैं, अभी हम उनको ही देखेंगे। तो वो हमारे बॉडी के ग्लूकोज को कंट्रोल में, जो भी हमारे खाने पीने में जो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज आता है ना उसको कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो पैनक्रियास के अंदर सेल्स होते हैं, एक होता है अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स हमारा ग्लूकोगन हार्मोन बनाता है। ग्लूकोगन हार्मोन का क्या काम है, वो ग्लाइकोजेनोलिसिस का काम करता है। क्या करता है ग्लाइकोजेनोलिसिस में, ग्लूकागन में जो हमारे लीवर के अंदर ग्लूकोज स्टोर हुआ था वो वापस ग्लाइकोजन स्टोर हुआ था उसको वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। ग्लाइकोजिनोलिसिस ग्लूकागन हार्मोन क्या करता है ये, अभी इसको देखते हैं। ग्लाइकोजिनोलिसिस हमने अभी पढ़ा था, ग्लाइकोजिनोलिसिस ये क्या करता है, जो स्टोर ग्लाइकोजन होता है हमारी लीवर में उसको ग्लूकोज में बदलता है, ठीक है। तो जो ग्लूकोज हमारा लीवर में स्टोर था तो वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है अल्फा सेल्स का ये वाला हार्मोन ग्लूकागन। बीटा सेल्स होते हैं हमारे पैनक्रियाज में, वो बनाते हैं इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन का क्या काम है, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज को लीवर के अंदर स्टोर होने भेज देता है, ठीक है। वहां पर वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं और हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करते हैं। एक कम या एक ज्यादा होगा, नहीं इनकी फंक्शन ठीक होगी तो हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज का जो लेवल है गड़बड़ा जाएगा। तो इसके इंसुलिन के हार्मोन की वजह से अगर ये प्रॉपर नहीं काम करेगा तो हमें डायबिटीज जैसे रोल हो जाते हैं। फिर एक हमारे डेल्टा सेल्स भी होते हैं जो कि सोमेटोस्टेनिन हार्मोन बनाते हैं जो कि इन दोनों के ऊपर कंट्रोल करता है। भैया तुम दोनों अपने अच्छे से काम करो, ग्लूकागन भी और इंसुलिन भी, ये दोनों ठीक से बनने चाहिए। ये बनेंगे नहीं तो एक चीज कम ज्यादा होगी तो हमारे बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाएगा, हमें बीमारी होगी। तो ये डेल्टा सेल्स सोमेटोस्टेनिन करके हार्मोन को बनाते हैं जो दोनों को कंट्रोल करता है। फिर कुछ एफ सेल्स होते हैं हमारे पॉलीपेप्टाइड्स को बनाते हैं, आगे देखते हैं इनका क्या रोल। ओके, तो ये
पेनक्रियाज, जो हमारे पेनक्रियाज का जो जूस बनता है, देख रहे हो ना क्या छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं, उनमें डक्स आ रही है, वो सारी डक्स मिलके एक बड़ी डक्ट बना रही है जो कि हमारे ड्यूडेनम में जा रही है। आप देख रहे हो, ये बहुत अच्छी पिक्चर दिखाई है ना, यहाँ पे इस तरह से बाइल का भी आ रहा है, तो ये हमारा ड्यूडेनम का पार्ट दिखाया है। तो हमारे पेनक्रियाटिक जूस जो बनाते हैं उसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रिप्सोनेजिन, काइमोप्रोटिनेजिन, प्रो कार्बन ऑक्साइड पेप्टिडेज, अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियसेस, इन सब का काम होता है हमारे डाइजेशन में मदद करना। अमाइलेज हमारा कार्बोहाइड्रेट में डाइजेशन में मदद करता है, लाइपेज लिपिड में करता है, न्यूक्लियस हमारा ट्रिप्सिन जो होता है बेसिकली हमारे प्रोटीन में करता है, और ये सब हमारे कुल मिला के उन्हीं में ही हमारे काम करते रहते हैं। तो पैंक्रियाटिक जूस हमारे एक्सोक्राइन जो पैंक्रियाटिक एक्निक जो हमारे सेल्स होते हैं वहां से ही बनता है, और कंप्लीट जूस होता है, इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट इन सबका ही डाइजेशन होता है। पैनक्रेटिक जूस हमारे कलरलेस होता है, वाटरी फ्लूड होता है और अल्कलाइन होता है। आपको बताया था ड्यूडेनम में जाके एसिडिक को अल्कलाइन करने के लिए इनका पीएच जो होता है अल्कलाइन होता है, और इंटेस्टीन एंटेरोकाइनेज को स्रावित करती है, उसके हमारे इंटेस्टीन के अंदर भी हमारे कुछ एंजाइम्स होते हैं उनको ये रिलीज करती है ताकि हमारा जो पूरा कंप्लीशन वहां पर डाइजेशन हो जाए। ट्रिप्सिनोजिन जो होता है वो हमारे एक्टिव जो एंजाइम ट्रिप्सिन को बदलता है और उसके बाद इनएक्टिव को भी एक्टिव में ये कन्वर्ट कर देते हैं। बेसिकली ये सारे जो एंजाइम्स हैं ये हमारे इंटेस्टीन में जाके जो भी उनके जो एंजाइम्स निकलते हैं उनको ये एक्टिव करते हैं। ट्रिप्सिनोजिन जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है वो इसको जाके एक्टिव उसमें हो जाता है। ये भी हमारा काइमोट्रिप्सिनोजिन जो होता है वो इनएक्टिव होता है, ट्रिप्सिन उसको जाके एक्टिव कर देता है, वो काइमोट्रिप्सिन हो जाता है। प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज ये भी इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ट्रिप्टोनिन ये जाके इसको भी एक्टिव कर देता है। तो ये जाके हमारी आंतों की जितने भी हमारे एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं उनको जाके हमारे को ये कंप्लीट कर देते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो मस्कुलर लेयर थी ना हमारी, वहां पर उन हमारी इंटेस्टाइन्स के अंदर भी बहुत सारी सिक्रीशंस होती हैं जो कि खाने के साथ मिक्स होती है और डाइजेशन में मदद करती हैं। वो उनके जो एंजाइम्स होते हैं तब एक्टिव होते हैं जब ये हमारे पैनक्रियाटिक जूस के जो है जाते हैं एंजाइम्स और उनको एक्टिव करते हैं। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाते जाते हमारा एक तो पैनक्रियाटिक जूस मिल जाता है, बाइल जूस भी मिल जाता है और इंटेस्टिनल जूस भी मिल जाता है, और यहीं पर ही हमारा डाइजेशन जो है कंप्लीट हो जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के लिए जो हमारे क्या होता है उसमें पॉलीसेक्राइड होते हैं, जो मतलब स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो डाइसेक्राइड में कन्वर्ट होते हैं अमाइलेज के द्वारा, और फैट में क्या होता है जो हमारे लाइपेसिस जो हमारा जो एंजाइम होते हैं वो ड्राई ग्लिसराइड्स को मोनोग्लिसराइड्स में चेंज करते हैं, और जो न्यूक्लियसेस होते हैं न्यूक्लिक एसिड जो हमारे प्रोटीन के उसमें होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स को फैट के उसमें ही न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोसाइड्स में ही करते हैं। तो बाइल जूस हमारा बहुत सारी चीजों को करता है, लीवर से प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है उसके अंदर, लेकिन कोई एंजाइम नहीं होता। पिगमेंट्स होते हैं बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, सॉल्ट्स होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम टाउकोलेट, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, इसीलिए कई बार वो गाढ़े हो जाते हैं जिनको पथरी बन जाती है। फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, फैट को तोड़ने में मदद करते हैं, लाइपेज एंजाइम को एक्टिव करते हैं, पीएच इनका अल्कलाइन होता है, फैट सोल्युबल विटामिंस जो लीवर के अंदर जो हमारे स्टोर होते हैं तो उनको भी ये हमारे को सॉल्युबल जो वहां पर लिवर के अंदर जो हेल्प करते हैं। ये हमारा प्रॉपरली डाइजेस्टिव जूस नहीं है लेकिन दूसरों को ये मदद करता है कि वो काम अच्छे से करें। इसका कलर येलो टू ग्रीन होता है, सिक्रीशन 500 to 600 ml और ब्लड बैटर में स्टोर होता है। तो इंटेस्टिनल जूस में जो हमारे वहां पर जो म्यूकस मेम्ब्रेन में जो हमारे वहां पर हमने देखा था ब्रश बॉर्डर सीलिया ऑफ म्यूकोजा, हमने देखा ना विलाई जो होते हैं वहां पे भी हमारे जो कुछ गॉबलेट सेल्स होते हैं जो जो जूस इंटेस्टिनल जूस होता है उसका भी अल्कलाइन ही होता है, और ये सारे जो इंटेस्टीन के वाले जूस में सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी डाइजेशन को पूरा कर देते हैं। डाइपेप्टाइड्स जो हमारे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, डाइपेप्टाइड डेसिस की वजह से माल्टोज ग्लूकोज ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है, लैक्टेज हमारे को ग्लूकोज में ही उनको लैक्टोज को कन्वर्ट करते हैं, सुक्रोज, ये सारे इसी तरह से ये सारे रेड में जो है ये हमारे एंजाइम्स हैं जो कि हमारे जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हमारे उसमें जो है चेंज कर देते हैं। तो मैक्सिमम डाइजेशन हमारा ड्यूडेनम में ही हो जाता है। जो भी अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में फिर आगे चले जाते हैं
और लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता, वहां पर वाटर और फ्लूइड का ही सॉल्ट्स का ही डाइजेशन होता है। तो ये हमारे मुख्य रूप से हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो रोल है, और इसके अलावा हमने हाँ ये सारी बात कर ही ली है, समय में ख्याल से हो चुका है। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। मैम, एंजाइम सारे एल्कलाइन नहीं होते, सारे एसिडिक ही होते हैं? एंजाइम्स नहीं, एसिडिक की बात नहीं होती। एंजाइम्स जो, हाँ एक तरह से यही कहो के चलोगे, एंजाइम्स एक्चुअली क्या होते हैं, वो दूसरे को एक्टिव करने के लिए होते हैं, जैसे कि एक ताले की चाबी होती है।